सो हाय गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप सभी का स्वागत है नितिन मीना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि भाई डॉक्टर होल्ड या डॉक्टर रिलेशन कैसे बनाए, इस पर एक वीडियो बनाओ। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आपसे पूछा था कि भाई डॉक्टर होल्ड या डॉक्टर रिलेशन को कैसे इंप्रूव करना है, इस पर आपको वीडियो चाहिए। तो आपको बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई जल्दी से जल्दी बनाओ। तो ये वीडियो है ना, 5 से 7 वीडियो की एक सीरीज होने वाली है। इसमें पूरा रॉ मटेरियल आपको देने वाला हूँ, बस आपको इस पर काम करना और आगे बढ़ना है। देखो, इसके एडवांटेज आपको ये मिलेंगे कि इस फील्ड में आपको ज़्यादा टाइम तक रहना है, अपनी इमेज बनाना है, इंसेंटिव कमाना है, तो आपका डॉक्टर रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर रिलेशन आपका अच्छा है तो आपको इंक्रीमेंट भी लगेगा, क्योंकि डॉक्टर रिलेशन अच्छा होने का ये मतलब होता है सीधा सीधा कि भाई आपकी सेल भी अच्छी रहेगी, आप अपने टारगेट्स को अचीव करोगे और फटाफट से जल्दी जल्दी एक टाइम के साथ आप प्रमोशन भी लेते जाओगे। मतलब कि आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है, किसी भी एंगल से हम लोग देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्टर सर्वे। यहाँ पे डॉक्टर सर्वे का मीन्स आरसीपीए से बिल्कुल नहीं होता है। डॉक्टर प्रूविंग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जो डॉक्टर रिलेशन है सबसे पहले वो स्टार्ट होता है डॉक्टर प्रूविंग से। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम केमिस्ट पे जाते हैं आरसीपीए करने के लिए, इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर भाई कौन कौन से ब्रांड लिखता है, किस तरह के ब्रांड्स लिखता है, कौन सा एंटीबायोटिक ज़्यादा लिखता है, सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, हमें मेडिकल से पता चल जाए, जिससे कि हम डॉक्टर के बारे में एक बना लेते कि डॉक्टर के चैम्बर में हमें एंटर करना है तो हमें डॉक्टर के पास कौन कौन से प्रोडक्ट बताना है, साथ में हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, वो सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करी ली जो हमारी आरसीपी के वीडियो थे। तो यहाँ पे हम किस लिए जाते कि डॉक्टर के बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल ज़्यादा लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर प्रूविंग के बारे में जब बात करेंगे तो हमें वही चीज़ करनी है, हमें यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन हैबिट को लेकर नहीं जानना है कि डॉक्टर आरसीपीए नहीं करना है, डॉक्टर के बारे में हमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम आए, उसकी पर्सनल लाइफ में हमें इंटरफेयर नहीं करना है दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर की कलेक्ट करनी जो हमारे काम आए। यहीं से स्टार्ट होता है भाई आपका डॉक्टर रिलेशन। ये आपका अगर अच्छा है ना, तो फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कवर करते जाओगे, सारी चीज़ों को इंप्रूव करते जाओगे और आपका एक रिलेशन बहुत हद तक एक स्ट्रांग रिलेशन डॉक्टर का बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट पहले डॉक्टर प्रूविंग में क्या रहता है, मतलब कि डॉक्टर प्रूविंग का मतलब आपको मीनिंग में बताऊं कि डॉक्टर के बारे में आपको आपके काम की ए टू जेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 10 यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, बस 10 पॉइंट पे काम कर लो तो आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी वो सफिशिएंट रहेगी। इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब कि आपको उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और डॉक्टर भी उससे इरिटेट होते हैं। तो ऐसे काम उनको बिल्कुल नहीं करना है। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक प्लीज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे, क्योंकि ये तो फर्स्ट वीडियो है। इसकी सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें 7-8 वीडियो आपको मिलेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कितने वीडियो में एंड हो जाएगा, ऐसे तो डॉक्टर रिलेशन कभी भी एंड नहीं होता, इस पे जितना भी मैं बोलूं उतना कम है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर भी आपको ये मान के चलो 8 से 10 या 5 वीडियो तो मिलने वाले, जो भी होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। सो गाइस, यहाँ पे पहले आपको डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए वो है कि भाई वो एक्टिविटी या नॉन एक्टिविटी वाला डॉक्टर है। अभी एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी डॉक्टर क्या होते हैं? देखो, एक्टिविटी डॉक्टर मतलब कि अभी मार्केट का भाई ऐसा सिनेरियो ही चल रहा है कि बहुत सारी कंपनी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है। अभी एक्टिविटी बहुत तरह से होती है, कोई आर्टिकल्स मतलब हाई वैल्यू आर्टिकल्स हो जाता है, डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस वगैरह में रजिस्ट्रेशन कराना है, या फिर कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर को कोई एक केस वगैरह भी देती है बहुत सारी कंपनियां, तो ये एक्टिविटी में आती है। जो भी कुछ कंपनी को अपने प्रॉफिट के लिए डॉक्टर के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करे, इसको हम एक्टिविटी मान सकते हैं। और नॉन एक्टिविटी डॉक्टर मतलब वो ऐसा रहते हैं, आप उन्हें दो तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी वो आपका लिखेंगे, मतलब वो एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी रहते हैं जो कि एक्टिविटी का बिल्कुल मना कर देते कि हमें एक्टिविटी नहीं चाहिए, और चाहिए भी तो वो सिर्फ एक या दो ब्रांड से, बड़े बड़े ब्रांड से डील कर लेते, बाकी जो बाकी का उनका पोर्टफोलियो रहता है उसको पूरा एम्प्टी रखते हैं, जो कि विजिट कंटिन्यू करेंगे उनके लिए वो लिखेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो डॉक्टर है ये पूरा एक्टिविटी का ही लिखता है या फिर नॉन एक्टिविटी। अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरा भी लिखेगा। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, मेहनत करोगे, मेहनत आपकी लेग वर्किंग पे बिल्कुल फोकस करना। अगर आपका लेग वर्किंग स्ट्रांग है ना, तो कितना भी एक्टिविटी कितने भी कर्प डॉक्टर हो वो आपका जरूर लिखेंगे दोस्तों। तो हमेशा आपकी लेग वर्किंग पे फोकस करना कि हमें जाना है डॉक्टर, लोग कुछ भी बोले इस डॉक्टर के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो डॉक्टर एक्टिविटी वाला या एक्टिविटी वाला नहीं है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि कंपनी कल को बोलेगी भाई एक्टिविटी वाले डॉक्टर दो, हमें कुछ प्लान करना है, तो आप फटाफट से उन डॉक्टर का नाम ले सकते हो। आप सोच रहे होंगे यार इससे डॉक्टर रिलेशन कैसा बनेगा? बनेगा दोस्तों, आप यहीं से स्टार्ट होती सारी चीज़ें, आपको आगे चल के इसके बेनिफिट मिलेंगे। जब हम एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इससे डॉक्टर रिलेशन इस तरीके से बनेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियरली आना
आना चाहिए। सेकंड भाई सैम्पलिंग और गिफ्ट माइंडेड डॉक्टर, देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, बहुत लोग तो इवन जानते नहीं है, तो आपको ये पता चलना चाहिए। देखो आज भी बहुत सारे डॉक्टर जो सैंपल वगैरह नहीं लेते, जो कंसल्टेंट है बहुत सारे नहीं लेते, और बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे रहते हैं जिनको सैंपल बहुत पसंद है। अगर कोई कोई कंसल्टेंट ऐसा रहते हैं आप बहुत बड़ा इनपुट है और सैंपल है, तो आप अगर उनको सैंपल दे दोगे ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में तो वो ज्यादा खुश होंगे दोस्तों, गिफ्ट दे देंगे तो भी ज्यादा खुश होंगे। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा डॉक्टर है जिसको सैंपल पसंद है, कौन से डॉक्टर है जो उनको गिफ्ट पसंद है। अभी गिफ्ट का ये मतलब नहीं होता कि बहुत हाई वैल्यू इनपुट चाहिए, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे भी मिलेंगे आपको टेरिटरी में जिनको सिर्फ पेन पसंद है, अगर आप उनको पेन दे दोगे ना एक अच्छी क्वालिटी का पेन दे दोगे ना डॉक्टर बहुत आपसे इंप्रेस होंगे दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमें मार्केट के बारे में डॉक्टर प्रोविंग में हमें यही पता चलना चाहिए कि जो डॉक्टर है उनको गिफ्ट माइंडेड या सैंपल माइंडेड, या फिर वो दोनों माइंड नहीं करते भाई, ना तो गिफ्ट लेंगे ना सैंपल लेंगे। तो ये चीजें हमारे माइंड में पहले आनी चाहिए जब हम डॉक्टर रिलेशन पे काम करेंगे, तो हमें हमारी टेरिटरी के जितने भी डॉक्टर है, डॉक्टर प्रोविंग हम जिन पे भी करें, अगर आपने 50 डॉक्टर भी खोल लिए जिनसे कि आपको बहुत एक स्ट्रांग रिलेशन बनाना है, वैसे तो जितने भी लिस्ट में सभी से बनाना है, बाकी एक साथ ना करते हुए हम थोड़े 20 डॉक्टर 30 डॉक्टर एक बार ले लेते कि भाई पहले मुझे इनसे बनाना है, तो उसके लिए उन डॉक्टरों का आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सैंपल माइंडेड डॉक्टर है या फिर ये गिफ्ट माइंडेड डॉक्टर है। वैसे अभी जो अगला पॉइंट आता है वो आता है भाई डॉक्टर के पेशेंट कितने, नंबर ऑफ पेशेंट वो कितने दिन में देखते हैं, मॉर्निंग में कितने, इवनिंग में कितने, और कहाँ कहाँ की हॉस्पिटल्स वो कवर करते हैं, सारी चीजें हमें आइडिया होना चाहिए जो भी डॉक्टर से हम रिलेशन बना रहे हैं, कि भाई मॉर्निंग टाइम में कब से पेशेंट आ जाते हैं, उनका टाइमिंग वगैरह पता होना चाहिए, इवनिंग में कब रहते हैं, कॉल टाइमिंग क्या है। देखो ये तो बेसिक चीजें हमें आना चाहिए। उसके बाद हमें सबसे मेन पता होना चाहिए उसका प्रिस्क्रिप्शन हैबिट, जो भी डॉक्टर है उनका प्रिस्क्रिप्शन हैबिट हमें पता होना चाहिए। अभी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट से क्या मीनिंग समझोगे, प्रिस्क्रिप्शन हैबिट इन द सेंस कि भाई डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कौन से मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेफर करता है, वो तो आपको आरसीपी से पता चल जाएगा, बाकी आपको सेगमेंट मिल जाएगी कि मुझे इस सेगमेंट में डॉक्टर से बात करना है। देखो इसका आगे आपको बहुत यूज होने वाला है, आप जब डॉक्टर प्रोविंग करोगे ना तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है। गाइस यहाँ पे एक बहुत जरूरी आता है, वो आता है उनका फैमिली बैकग्राउंड। देखो बहुत सारे डॉक्टर का फैमिली बैकग्राउंड लोगों को पता ही नहीं रहता है भाई, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि डॉक्टर बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके फैमिली में कौन कौन है। इससे क्या रहेगा, कभी डॉक्टर फ्री है वो आपसे बात करेगा तो आपके पास पॉइंट रहेंगे बात करने के लिए। देखो कहा भी ऐसा तो टाइम नहीं मिलता, बट कभी कभी आपको टाइम मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों कि डॉक्टर के बारे में हमें जितना ज़्यादा पता रहे उसकी फैमिली के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक कि क्या उनका ऑक्यूपेशन है, वो क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। एक होना चाहिए भाई डॉक्टर के नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने। गाइस एक होता है डॉक्टर का बिहेव, डॉक्टर का बिहेव किस तरीके का, आप बात करने जाते हो तो डॉक्टर आपको टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है। देखो डॉक्टर का अटेंशन लेना ये सारी तो हमारी डिटेलिंग पे डिपेंड करती है, बाकी डॉक्टर का एक बिहेव पता चल जाता है ना, कोई बोलते यार ये डॉक्टर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, बस जाओ कॉल करके आ जाओ, कुछ भी बात नहीं करते, तो हमें डॉक्टर का बिहेव पहले पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि डॉक्टर में से इरिटेट नहीं हो जाओ। कभी कभी हमें डॉक्टर का बिहेव के बारे में पता नहीं रहता है, हम नॉर्मल तरीके से वहां चले जाते हैं, हमें डॉक्टर का बिहेव कैसा है क्या सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अभी देखो बहुत सारे लोग इसमें इतनी सारी मिस्टेक कर देते हैं, अगर डॉक्टर को कम बात करना पसंद है तो हमें वहां पे उसी टाइप से रहना है, डॉक्टर अगर बात अच्छे से कर रहा है तो हमें वहां पे बात करना है, हमें एक रहता है ना कोई सेंसलेस बातें करते हैं डॉक्टर चैम्बर में वो बिल्कुल भी नहीं करना, उससे तो क्या है हमारी इमेज है ना वो थोड़ी बहुत अच्छी हो तो खराब हो जाएगी। तो अगर डॉक्टर का बिजी टाइम है तो डॉक्टर नहीं चाह रहा है उस टाइम पे बात करना, थोड़ा बहुत बिजी है किसके साथ बैठा है, तो हमें उस टाइप से अपने आपको चेंज करना है, उस टाइप पे वहां पे कॉल करना है और हमें निकल देना है, हमें अगली बार फिर हम सारा कवर कर लेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। गाइस एक होता है डॉक्टर का पॉलिटिकल व्यू, देखो ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं और 50% तो डिस्कशन पॉलिटिक्स भी होता है भाई, तो बहुत सारे डॉक्टरों का पॉलिटिकल व्यू भी रहता है। देखो हमें इससे थोड़ा जिसको जो भी पार्टी का हो, बाकी डॉक्टर का जो भी पॉलिटिकल व्यू ना, हमें उस टाइप से बात करना है उनसे, हमें बिल्कुल वहां पे ऐसा नहीं कि डिबेट करना है, अगर वो उसके बारे में बात कर रहा है दूसरी पार्टी के बारे में, हम दूसरी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं सर इसने ये अच्छा किया वो, तो इस हिसाब के रिलेशन और खराब हो जाएंगे। डॉक्टर की हाँ में हाँ करना है, उनको सुनना है, ये सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों, बाकी डॉक्टर कोई डायरेक्ट आपसे बात नहीं करेगा इस टाइप की, इसके लिए आपको बहुत हेल्दी रिलेशन जब आपका बनेगा तब ये सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये जो बात बताई इसे डॉक्टर रिलेशन तो कहीं से कहीं तक बनना नहीं है, नहीं दोस्तों यही डॉक्टर रिलेशन रहता है। देखो सबसे पहले जैसे घर बनता है, एक तो हमें घर की जो नींव रहती है वो हमें कभी नहीं दिखती, हमें सिर्फ घर ही घर दिखता है, बाकी स्टार्टिंग तो वहीं होती ना घर से, तो डॉक्टर रिलेशन भी वहीं से स्टार्ट होगा, बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, अगर हमारे पास बेस अच्छा है ना तो हम वहाँ पे कितना भी अच्छा डेवलप
डॉक्टर रिलेशन बना सकते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप एक अच्छा डॉक्टर रिलेशनशिप कभी नहीं बना सकते। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और बेस में क्या है कि डॉक्टर के बारे में हमें ए टू जेड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि डॉक्टर कब क्या है जो मैंने ये बताइए बस इतनी होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप करोगे ना तो फिर वो सही नहीं रहेगी। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के साइड इनकम क्या है, डॉक्टर और कहाँ पे, तो डॉक्टर को ऐसा लगेगा यार ये बंदा तो मतलब कि मेरे पे पूरी नज़र रखता है कि मैं कितने इनकम है, मैं क्या क्या करता हूँ, मैं कौन सा टाइप मेरे और क्या क्या बिजनेस चल रहा है। ऐसी बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी है, हो भी तो डॉक्टर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर को उतनी इन्फॉर्मेशन में हमें बात करना चाहिए जितना कि उनको सही लगे उनके साथ बात करना। तो भाई डॉक्टर रिलेशन का पहला वीडियो है, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज तक जहाँ भी आप देख लो डॉक्टर रिलेशन पर, जितना भी मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा है, वीडियोज़ वगैरह भी देखा है, इस टाइप से किसी ने नहीं बनाया। जो पूरा जो डॉक्टर रिलेशन का ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे बनाया दोस्तों, ये मैंने कहीं से भी नहीं लिया है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फेस करी। तो मैंने यहाँ पे आपको ए टू जेड मैंने सोचा कि अगर मैं बता ही रहा हूँ तो आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिले कि आगे चल के आपका अगर आप सीधे सीधे डॉक्टर रिलेशन पर मैं बात कर दूँ कि आपको इस टाइप पर कॉल करना है, ये वहाँ पर इस टाइप से बातें करनी है, तो आपका जब तक बी एस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आप कभी भी वहाँ पर उस टाइप से नहीं कर सकते। तो भाई यहीं से स्टार्ट होगा। तो जो भी मेडिकल रैप्स बनने वाले हैं प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना कि मैंने मुझे पहले ए टू जेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद में आगे स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।